रिम्स से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर पत्थर दिल वाला शख्स भी पिघल जाए। रिम्स प्रबंधन की तरफ से जब एक मरीज को खाना नहीं मिला तो लाचार होकर वो कचरे से चुनकर अपने पेट की आग बुझाने लगा। तो कचरे से किसी तरह जो भी बचा कुचा खाना है वो निकालकर ये शख्स किसी तरह अपने पेट की आग बुझाने में जुटा हुआ। तस्वीर देखिए आप, क्या आपको लगता है इस तरह से कोई अपने पेट की आग बुझा सकता है? तस्वीर देखिए आप, ये रिम्स की तस्वीर है और कई बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है प्रदेश के इस सबसे बड़े अस्पताल से। एक बार फिर शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सिस्टम को, सरकार को। तो ये मरीज कितना लाचार है, पैर से लाचार है ये मरीज, कोई देखभाल करने वाला नहीं और इस मुसीबत में अस्पताल प्रबंधन ने उसका साथ छोड़ दिया। इतनी घोर लापरवाही कैसे हो सकती है? एक मरीज को कचरे में से चुनकर खाना खाना पड़े, ये हाल सड़े हुए सिस्टम का ही है। रुक लेते अपने सहयोगी का, तो रिम्स से हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, इससे पहले भी ऐसी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई थी, वो भी रिम्स से ही आई थी और तब भी आप ही उस स्टोरी को कवर कर रहे थे। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या रिम्स प्रबंधन इतना लाचार हो गया, इतना लापरवाह हो गया कि एक मरीज को खाना नहीं मिल सकता है, उसे कचरे से भीन कर कुछ दाने निकालने पड़े अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए? देखिए रश्मि, मानवता को तार तार कर देने वाली ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और ये राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स कहलाता है, जिस पर तमाम जो झारखंड के 3.25 करोड़ जनता है उन्हें गौरव है और लोगों की आशाएं इस अस्पताल से जुड़ी हुई है। और जिस तरीके से आप तस्वीर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये रिम्स के OPD परिसर का है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम फिलिप बताया जा रहा है और वो गुमला जिले के खटखोर का रहने वाला है और उसकी विडंबना देखिए कि उसका कोई परिजन नहीं है और बेबस लाचार वो व्यक्ति जो कबूतर के लिए जो दाने दिए गए थे उस दाने को चुन करके अपनी पेट की आग बुझा रहा है। और आपने जो सवाल किया कि ऐसे कई तस्वीर जी मीडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाती रही है, शासन तक पहुंचाने का काम कर रही थी। और 9 जनवरी की मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 9 जनवरी का ही वो वाक्य था कि एक विक्षिप्त महिला जो थी वो कबूतर जो है जिंदा कबूतर को अपना निवाला बनाया था। हालांकि जब जी बिहार झारखंड पर यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई तो खुद सूबे के मुखिया ने इस खबर पर संज्ञान लिया, साथ ही साथ डालसा की टीम ने भी संज्ञान लिया था और उस विक्षिप्त महिला को रिनपास में एडमिट करा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है ये एक सभ्य समाज के लिए काफ़ी विभत्स माना जा रहा है और प्रबंधन लाख दावे कर ले लेकिन ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे देखने को मिलती है। महीने दो महीने के बाद फिर एक ऐसा वाक्य सामने आ जाता है जो रिम्स की छवि को धूमिल करने का काम करता है। रश्मि, एक जानकारी और देना चाहेंगे कि लगभग 1500 मरीजों का यहाँ पर इलाज होता है और उन्हें 3 वक्त का भोजन देने का जो है प्रावधान वो रिम्स के द्वारा किया गया है। आखिर क्या खामियां रही, क्या कमियां रही कि आज उस विक्षिप्त जो फिलिप जो बताया जा रहा है मरीज, उस तक भोजन का निवाला नहीं पहुंचता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। रश्मि, सौरभ, क्या इस मरीज का अभी भी इलाज चल रहा है वहां पर? पिछली बार की जो आप खबर बता रहे थे वो महिला विक्षिप्त थी, क्या इनका इलाज चल रहा है? इस तरह की कोई कंफर्म बात सामने आई है, प्रबंधन से कोई बात हुई है? देखिए मरीज का इलाज चल रहा है और जिस तरीके से तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उसके पैर में रॉड लगा है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्थोपेडिक विभाग का मरीज है लेकिन बेबस और लाचारी है, विडंबना है कि उसके साथ उसका कोई परिजन नहीं है और ऐसे में उसके ऊपर कोई बिल्कुल विडंबना ये भी है सौरभ, ना तो वो पहली कोई खबर थी ना तो ये आज कोई आखिरी खबर है इस अस्पताल से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, आप देखते हैं कि सरकार और ये रिम्स प्रबंधन क्या संज्ञान लेता है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा